हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस को लेकर आने वाला है। वेल, जो प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस है वो अब जल्दी प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस बनने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। बताऊँगा मैं आपको इसकी टाइमिंग्स, कितने बजे बीकानेर स्टेशन पहुँचेगी, कितने बजे बीकानेर से रवाना होगी वापस जयपुर के लिए, और कौन कौन से स्टेशन पर ही रुकेगी जयपुर से लेकर बीकानेर के बीच में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे कल के दिन मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके बताया भी था आप लोगों को कि प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस को बीकानेर तक एक्सटेंशन का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कुछ लोगों को मन में डाउट था। वो सोच रहे थे कि पता नहीं फेक न्यूज़ होगी या फिर रियल न्यूज़ होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, और अगर आपको अभी भी शक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस के बीकानेर तक एक्सटेंशन का ऑफिशियल नोटिस। बात करें अगर इस नोटिस की, तो ये 28 दिसंबर 2020 को नोटिस रिलीज किया गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर से सेकंड लाइन में लिख रखा है कि 14 जनवरी 2021, या से तो 2020 से वहाँ पे मिसप्रिंट होगा शायद, लेकिन 14 जनवरी 2021 से प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस को बीकानेर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बात करें अगर इसकी टाइमिंग्स की, तो ये 11 बजे रात को प्रयागराज से रवाना होगी और जयपुर अपने सेम टाइम यानी कि 12:40 पर पहुंचेगी, और 12:40 पर पहुंचने के बाद 12:50 पर इसका जयपुर से डिपार्चर है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि हो पाएगा 12:50, क्योंकि जयपुर में इसका लोको चेंज होगा, इसको इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन दिया जाएगा, तो इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। 12:50 से जयपुर से निकलने के बाद ये शाम को 19:40 यानी कि 7:40 पर शाम को ये बीकानेर पे पहुंचने का इसका टाइम है। चलिए अब जानते हैं कि जयपुर से बीकानेर के बीच ये कितने स्टेशन पर रुकने वाली है और कौन कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर से बीकानेर के बीच में ये टोटल 8 स्टेशन पर इसका स्टॉपेज होने वाला है, जिसमें से पहला स्टेशन है रिंगस जंक्शन, उसके बाद सीकर जंक्शन, सीकर के बाद फतेहपुर शेखावाटी, चूरू जंक्शन, रतनगढ़, लाजाडेसर, श्री डूंगरगढ़ और नापासर स्टेशन। ये इन स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होने वाला है। अभी फिलहाल इस ट्रेन के बीकानेर तक एक्सटेंशन के लिए इसके नए तीसरे रेक का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे ही इसका तीसरा रेक आ जाएगा, उसके बाद इसको 14 तारीख से बीकानेर तक चलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जोर से बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।